हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ मैं क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेखक परिचय और कवि परिचय लिखने का बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही असरदार तरीका। अगर आपको अब तक लेखक और कवि परिचय लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि आपकी बुक्स में ढेर सारे लेखक होते हैं, ढेर सारे कवि होते हैं और इन सभी के लिए आपको अलग अलग आंसर प्रिपेयर करना होता है जो कि आपसे हो ही नहीं पाता था और इसीलिए आपको ये चीज़ लिखना बहुत मुश्किल लगता था, तो आज की वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको लेखक और कवि परिचय लिखना दुनिया का सबसे आसान काम लगेगा क्योंकि मैं आपको सभी लेखकों के लिए एक ही आंसर प्रिपेयर करने के लिए बोलूंगी। जी हाँ, आपको सबके लिए अलग अलग कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अलग अलग लेखकों और कवियों की रचनाएं प्रिपेयर करनी है। बाकी की जो चीज़ें हम ऐसी लिखेंगे कि आप सभी कवियों और सभी लेखकों के लिए वो सेम चीज़ लिख सकते हैं। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेखक परिचय के बारे में। सो आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको अगर लेखक परिचय का क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली और मेनली चार ही चीज़ें पूछी जाती हैं, पहली रचना, दूसरा भाषा, तीसरा शैली और चौथा साहित्य में स्थान। तो वन बाय वन हम चारों के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रचना के बारे में। इसमें आपको लेखक की दो रचनाओं के नाम लिखने होते हैं और वो लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो भी क्लास है, जो भी हिंदी की बुक है, उस बुक के अंदर से आपको सभी लेखकों के नाम एक पेज पर लिस्ट कर लेने हैं और उनकी रचनाओं को गूगल से या फिर आपकी बुक से या फिर जो भी गाइड वगैरह आप यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से उनकी रचनाओं को देखकर उनके नामों के सामने लिख लेना है और बैठकर वो सारी रचनाएं लर्न कर लेनी है। एटलीस्ट दो दो रचनाएं आपको लिखनी ही है। दूसरा हम बात करते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा के लिए मैं आपको एक ऐसा पैराग्राफ लिखना सिखाऊंगी जो आप किसी भी लेखक के लेखक परिचय के अंदर डाल सकते हैं, सब पे फिट बैठेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सब आपको स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है जिसको आपको भाषा वाली हेडिंग के अंदर लिखना है। क्या लिखा है हमने इस पैराग्राफ में, एक बार देख लेते हैं। आपकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है, कि जो आपकी वर्ड लिखा है हमने, इसकी जगह आप लेखक का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हम महादेवी वर्मा के बारे में लेखक परिचय लिख रहे हैं तो आपकी की जगह आप महादेवी वर्मा जी की भाषा ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, आपकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है। आगे है, आपने रचनाओं के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है, मतलब जो रचना आपने लिखी थी उसके अकॉर्डिंग ही आपने भाषा यूज़ की है। भाषा में अंग्रेजी व उर्दू शब्दों की झलक देखने को मिलती है। आपने आंचलिक और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करके भाषा को आकर्षक बनाया है। आपकी भाषा बोधगम्य, रुचिकर एवं प्रवाहमय है, मतलब कि आपने अच्छे शब्दों का सिलेक्शन किया है और आपकी जो भाषा है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने भाषा को गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। ज़्यादातर लेखक यूज़ करते हैं मुहावरे तो सबके लिए बात फिट हो जाएगी। लास्ट सेंटेंस है हमारा, भाषा में सजीवता के दर्शन होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने भाषा लिखने के लिए ऐसा ही पैराग्राफ का सिलेक्शन किया है जो सभी लेखकों के लिए आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी तीसरी हेडिंग शैली के बारे में। शैली में आपको क्या लिखना है, अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। आपकी शैली में विविधता पाई जाती है, मतलब आपने बहुत अलग अलग तरीकों की शैली यूज़ की है। आपकी शैली सहज और विषय अनुकूल है, फिर से हमने सेम बात बोल दी कि आपकी शैली सहज है और विषय के अनुसार है। आपने अपने साहित्य को भावनात्मक, विचारात्मक, वर्णात्मक और आत्मव्यंजक शैलियों से संवारा है। लास्ट लाइन में हमने लिखा है, आप श्रेष्ठ काव्य के शिल्पकार हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। अब ऑब्वियसली हम सभी लेखकों की तारीफ करने के लिए तो आंसर लिख रहे हैं, तो तारीफ के पुल बांध दीजिए, हो गया आपका शैली वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट। और इस पैराग्राफ को भी आप सभी लेखकों के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं साहित्य में स्थान के बारे में। बच्चा मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली ये तीन चीज़ें ही पूछी जाती हैं, रचनाएं, भाषा और शैली, लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन 4 मार्क का आता है या बड़े मार्क का आ जाता है तो उसमें साहित्य में स्थान के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो हम वो क्यों छोड़े वो भी देख लेते हैं। तो साहित्य में स्थान के लिए भी मैं आपको एक पैराग्राफ दिखा रही हूँ जो आपको अब स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आइए पढ़ लेते हैं उसमें क्या लिखा है। तो सबसे पहले जो भी लेखक है हमें उनका नाम लिख देना है। मान लीजिए हम प्रेमचंद जी के बारे में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे, प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। आगे है, आपका साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। आगे है, आपकी रचनाओं में आपके हृदय का विस्तृत रूप दिखाई पड़ता है। आपने समाज, राष्ट्र और मानव के उत्थान के लिए जो साहित्य सृजन किया है वह अत्यंत प्रभावी है। और आखिरी में हमने लिखा है,
आपका हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये साहित्य में स्थान में भी हमने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया है जो सबकी तारीफें करते हुए उनका साहित्य में स्थान बता देगा। आई होप आपको लेखक परिचय लिखना अब बहुत आसान लगेगा। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो थोड़ी ज़्यादा अगर पसंद आ गई हो तो मेरे बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, हो सकता है आपके लिए यूज़फुल हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कवि परिचय लिखने के बारे में। तो मेनली आपसे कवि परिचय वाले क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सबसे पहले आपसे रचना के बारे में पूछा जाता है, दूसरा भाव पक्ष, तीसरा कला पक्ष, कभी कभी भाव पक्ष कला पक्ष एक साथ ही पूछ लेते हैं, और लास्ट में आपसे साहित्य में स्थान पूछा जाता है कवियों का। तो आइए वन बाय वन हम सभी के बारे में पैराग्राफ देख लेते हैं कि आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहले हम रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने आपको लेखकों के बारे में बताया, उसी तरह से आपको अपनी बुक में जितने भी कवि दिए हुए हैं सबके नाम लिखकर उनकी रचनाएं ढूंढकर एक जगह लिस्ट आउट कर लेनी है और उनको लर्न कर लेना है। मिनिमम कितनी रचनाएं आपको लेनी है, 2 रचनाएं तो आपको लेनी ही है। फिर हम बात कर लेते हैं भाव पक्ष के बारे में। तो भाव पक्ष में आपको जो सेम पैराग्राफ सभी कवियों के लिए लिखना है वो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा है। आपका काव्य, आपका की जगह आप कवि का नाम लिख सकते हैं। आपका काव्य अनुभूति प्रधान है, आपने सामाजिक परिस्थितियों पर लेखनी चलाकर भावाभिव्यक्ति की है, आपके जीवन में लोक जीवन की सहज अनुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। आगे हमने लिखा है, आपने संवेदनशील सहज काव्य का सृजन किया है, आपने अपने काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग किया है, आप एक महान दार्शनिक कवि है। बहुत ज़्यादा तारीफें हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कला पक्ष के बारे में। तो कला पक्ष में जो सेम पैराग्राफ आपको सभी कवियों के लिए लिखना है वो इस प्रकार है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए ये भी पढ़ लेते हैं एक बार कि हमने क्या लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा है, आपका कला पक्ष भाव पक्ष की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ है, मतलब ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी भाषा सहज सरल, व्याकरण सम्मत, व्यवहारिक और उच्च कोटि की है। बहुत तारीफें लिखनी है आपको। आगे लिखा है, आपकी रचनाएं अलंकारों और गुणों से परिपूर्ण हैं, आपकी रचनाओं में रस गुण और अलंकारों का अच्छा संयोजन देखने को मिलता है। इजी है। अब आगे हम साहित्य में स्थान की बात कर लेते हैं। तो साहित्य में स्थान में आपको क्या लिखना है कवियों के लिए, आप हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ कहे जाते हैं, मतलब पिलर कहे जाते हैं। आपका काव्य प्रेम सौंदर्य व वेदना से परिपूर्ण है, आपकी तुलना भविष्य में असंभव है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों में आपका स्थान विशिष्ट है, चिन्मोहक साहित्य के सृजन के लिए आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो ये हो गया आपका कवि परिचय भी। देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम देना है, लेखक परिचय के सारे पैराग्राफ और कवि परिचय के सारे पैराग्राफ आपको लर्न कर लेने हैं। अगर आपको हिंदी बहुत गाढ़ी लग रही है तो आप नॉर्मल हिंदी में भी तारीफें कर सकते हैं कवियों और लेखकों की। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आप शुद्ध हिंदी लिखेंगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं अपने एग्जाम में हमेशा नॉर्मल वाली हिंदी लिख कर आती थी जो मैं यूज़ करती थी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग्स के साथ, और मुझे हमेशा फुल मार्क्स मिल जाते थे। तो आपके दिमाग में अगर ये चलता है कि हमें हिंदी बहुत शुद्ध लिखनी है तो ये चीज़ निकाल लीजिए। आप आराम से सरल भाषा का प्रयोग करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस मात्राओं में मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।